इसे नॉक करते ही मैं सोचता हूँ कि ना थोड़ा मजे लिया जाए जिंदगी में। हेलो हेलो मेरे भाइयों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और बीजीएमआई गेम प्ले वीडियो में। तो आज मैं खेल रहा हूँ रैंडम स्क्वाड के साथ। इस वाले गेम प्ले में आपको हमारे टीममेट्स के मिला के पूरे 35 किल्स देखने को मिलेंगे। वीडियो का एंड तक जरूर देखना, आपको मजा आएगा। फिलहाल लैंड करते हम लोग कोचिंग की में। आते ही मुझे UMP मिलती है और बाजू वाले घर में एक बंदा भी आता है। देखना उसे कैसे मारूंगा। ये हमारे सोलो वर्सेस स्क्वाड वाले भाई थे जो कि पूरी तरीके से लूट करने में मग्न थे। दुनिया का ही भाड़ में इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लूटो और लॉबी जाओ। खैर इनका सूटकेस बना के हम लोग आते हैं सीधा पोचिंग के मिडल वाले घर में। यहाँ पर आते ही मुझे सामने ब्लू वाले घर में एक बंदा दिखता है। मैं नेट करता हूँ उस पे। और ये लड़का नॉक भी हो जाता है। फिर मैं ऊपर आके देखने की कोशिश करता हूँ और बंदे है कि नहीं। फिर मैं सीधा रश करता हूँ। उतने में एक लड़का आता है उसे रेफ देने। इसे नॉक करता हूँ। इसके पीछे पीछे एक और बंदा होता है। तीनों बंदों को नॉक कर दिया था। बचता है आखिरी बंदा और वो भी उन सामने वाले घरों में होता है। यहाँ पे 1v4 हो ही जाता, लेकिन एक नंबर आके आखिरी बंदे को मार देता है। खैर मैं फ्लेयर मंगाया था, मैं लूटने जाता हूँ, लेकिन उतने में सामने एक बंदा दिखता है मुझे जो कि शायद मेरा ड्रॉप ही लूटने जा रहा था। खैर खत्म करता हूँ इसे और ड्रॉप में मुझे मिलती है ग्रोजा। रोजा लेके हम लोग आते सीधा स्कूल के साइड वाले रिकॉल टावर पर। और यहाँ पर एक लड़का अपने टीममेट को रिकॉल कर रहा होता है। और भाई ये बंदा तो रिकॉल होकर सीधा मुंह पे लैंड करता है। खैर इसका सूटकेस बनाते हमारे टीममेट्स और हम लोग निकलते यहाँ से। फिर हम बग्गी लेके जाते सीधा अपार्ट्स में, क्योंकि यहाँ पर बंदे थे। और अब देखना ये बंदे कैसे कैम करते बड़े वाले बिल्डिंग के छत पे। खैर मैं बग्गी साइड वाले बिल्डिंग में रोका था, उतने में मुझे बड़े वाले बिल्डिंग से बंदे का साउंड आता है। मैं सीधा रश करता हूँ उनपे। ऊपर जाने से पहले मैं थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स करना चाहता था, लेकिन एक नंबर नॉक हो जाता है। देखना अब इस बंदे को कैसे एंगल बना के मारूंगा। बनाते इनका भी सूटकेस और गाड़ी लेके निकलते हम लोग, लेकिन उतने में रिकॉल टावर पर एक बग्गी दिखती है मुझे। ये लड़का आया था अपने टीममेट को रिकॉल करने, लेकिन मुझे देखते ही यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और मैं इसका सूटकेस बनाता हूँ। फिर मैं बग्गी लेके निकल रहा था सीधा जोन की तरफ, लेकिन उतने में स्क्वाड हाउस की तरफ से गाड़ी आती है। ये बंदा अकेला ही होता है, चलो निपटाते इसको। इसे नॉक करते ही मैं सोचता हूँ कि ना थोड़ा मजे लिए जाए जिंदगी में। फिर मैं इसको लेकर सीधा आता हूँ घर के अंदर। हम लोग इसे वार्तालाप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उतने में ही
I'm hurt. Give me a hand. Hey, I'm hurt. Give me a hand. भाई बढ़िया स्प्रे मार रहा था इसका डीमेट तो। खैर इन लोगों का भी सूटकेस बना के हम लोग जा रहे थे सीधा जोन की तरफ, लेकिन उतने में लेफ्ट वाले रीच पे बंदे दिखते हैं। यहाँ पर एक बंदे को नॉक करके मैं रश करने की सोचता हूँ, लेकिन उतने में ही मेरा टीममेट मार देता है आखिरी बंदे को भी। फिर मैं बग्गी लेके आता हूँ सीधा ड्रॉप लूटने, लेकिन उतने में ही एक नंबर को किसी ने नॉक करके उसका पूरा सूटकेस बना दिया है। मैं भी फिर जाता हूँ उधर ही उसका सूटकेस बनाने। एक बंदे को नॉक करके मैं सीधा रश करता हूं उस पे। Burn up on me. इन बंदों को मार ही रहा होता उतने में तीन नंबर नॉक हो जाता है। तीन नंबर को रैप देके मैं सीधा आगे की तरफ आता हूँ, उतने में मुझे सामने बंदा दिखता है। Marked a location. एक बंदे को नॉक करके मैं सीधा सामने रश करता हूँ, क्योंकि बचा था आखिरी बंदा, बाकी सारे बंदे नॉक पड़े थे। मैं जोन के एज में बग्गी घुमा ही रहा होता हूँ उतने में ही चार नंबर को आखिरी बंदा दिख जाता है, इसी के साथ चिकन हो जाता है। खैर आज के वीडियो में बस इतना ही, जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।